बिहार के मुजफ्फरपुर से एंटी रेबीज वैक्सीन उड़ीसा के दलाल को बेचने का बड़ा खुलासा हुआ। बिहार के सरकारी हॉस्पिटलों में आपूर्ति की गई एंटी रेबीज दवा उड़ीसा के रास्ते हरियाणा पहुंच गई। करीब 600 वायल दवा सदर अस्पताल से हरियाणा भेजी गई। दवा के बैच को खपाने के मामले का पर्दाफाश हुआ है, उसका मिलान किया गया है। हरियाणा पुलिस को शक है कि बिहार में सरकारी आपूर्ति के नाम पर आने वाली दवाएँ नकली तो नहीं, इसलिए कंपनी से इस बैच की कितनी वायल आपूर्ति हुई, कितनी दवा कहां गई, उसका मिलान किया गया। इसकी जांच के लिए हरियाणा पुलिस ने देर रात सदर अस्पताल पहुंचकर दवा मिलान के बाद पुलिस ने ओटी असिस्टेंट नीलेश कुमार को गिरफ्तार किया है। नीलेश स्टोर से दवा लेकर इमरजेंसी में मरीजों को देता था। सदर हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर से मुजफ्फरपुर से 497 इंजेक्शन बजरिया डाक वहाँ भेजे थे, जो बिहार गवर्नमेंट के इंजेक्शन थे, जो कि नो फॉर सेल के थे, जिनके ऊपर कोई MRP नहीं था। यहाँ से इस बंदे ने किसी को 400 रुपये में बेच दिया और वो आगे वो 3000 रुपये में बेच रहा था, जिसको हमने पकड़ा पहले। कितने लोग गिरफ्तारी तो इसमें? तीन, हरियाणा से है, दो हरियाणा से, नहीं एक उड़ीसा के पहले हुई थी, एक हरियाणा, एक उड़ीसा और एक बिहार। उसी लोग के गिरफ्तारी के बाद इनके निशानदेही पर गिरफ्तारी? यस यस। इनकी क्या भूमिका थी इसमें? यही यहाँ से इसी ने तो इंजेक्शन यही सप्लाई कर। हाँ अच्छा, मोटा पैसा भी लेता था क्या इसके बदले? पैसा तो 400 रुपये। क्या शुभ नाम हो गया सर आपका? सत्यवान।